श्री दशरथ प्रसाद केवट जी के पिताजी का निधन हो गया है 3/10/2019 को। आज उनका तेरहवीं का प्रोग्राम रखा गया है, भोज का प्रोग्राम रखा गया है। चलो ले चलते हैं आपको भोज की तरफ। आप भर देना, आपकी बात है, बोल दो आप ले लो। वीडियोग्राफर आ गए क्या? पापा इधर दो, इधर इधर। हाथ में वो भी ले लेते थे दीपक। नहीं, एक लव है। चलो ये बताएं, आज इस शहर में आए हुए हैं, महाराष्ट्र में अकोला शहर, जिला अकोला में। हाँ, तो अब तो पहले माननीय महामना माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ माना जाना है, मेरे को पता है। हाँ, उत्तर प्रदेश की धरती से मैं एकलव मानव संदेश न्यूज बाबा बालक दा निषाद। हाँ, आज मैं इनके बीच में आया हूँ। हाँ, कुछ जवाब सवाल करना पूछना मेरा काम है, जरा बताएंगे जरा आपका क्या रिश्ता है यहाँ पर? ऐसा है कि हमको मोदी जी ने प्रस्तावक बनाया, 5 साल तक जिन्होंने वह काम किया वो अच्छा था। वो हर हालत में सड़क रोड मकान जितना अगल बगल का काम किए वो बड़ा अच्छा ही काम किए हैं। शहर के अंदर घाट जितने हैं घाटों की मरम्मत करवाए, जितना सड़क आने जाने का रास्ता जहाँ जाने वाला रास्ता था नहीं, 2 4 लाइन किए, कहीं 4 लाइन 4 किए, हर चीज़ को वो करते गए। उनकी अच्छाई का वर्णन आज हम भी कर रहे हैं और उनके वजह से मल्लाहों में जागृति भी पैदा हो गई, मल्लाह भी उनके बात को मानने लगे और मल्लाह के जानकारी वजह से इतना दिन तक कोई दिक्कत नोटबंदी की उसमें भी कोई परेशान पब्लिक को हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। और उसके बाद वाहिनी चलाए उसमें थोड़ी परेशानी आई थी, मल्लाह लोगों का कहनाम था कि हमारा रोजी रोटी मार जा रहा है। उसके बाद हमने समझाया कि इसमें दोरा नहीं है, हर चीज़ करते रहे। उन्होंने कुछ नहीं की नीति समाज के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कोई काम नहीं किया था। और हम बहुत कुछ कह डाले थे, समझा भी दिए थे हर काम, मल्लाहों के प्रति ये भी बोले थे कि आप एक काम करिए कि मल्लाहों को जैसे सबको आरक्षण दिए हैं वैसे मल्लाहों को भी आरक्षण दीजिए, वादा किया कि हम देंगे। हमने उनको एक बात और समझाया कि हमारे बिरादरी में एक मझवार जात है, वह आरक्षण में आ गई है जब मल्लाहों में आती है, उसके दायरे से पूरा मुआयना उत्तर प्रदेश हर जगह किया गया, उसमें सभी लोग राय दीजिए कि मल्लाह राजगुण निषाद इन लोगों को सबको आरक्षण देने का उपाय करिए, हमको सांत्वना दिए कि कर। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम है दशरथ प्रसाद बटुक महाराज के ओर, मैं अकोला जिला मच्छीमार संघ का चेयरमैन हूँ जी और भारतीय जनता पार्टी मच्छीमार सेल का अध्यक्ष हूँ जी। आज जो प्रोग्राम है आपके घर पर, आपके मामना माननीय स्वर्गीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, आज का 13वीं का प्रोग्राम है, क्या ना आपके यहाँ? यहाँ 13वीं का कार्यक्रम है हमारे पिताजी का, बटुक महाराज जी के ओर 13वीं का कार्यक्रम है। और ये अकोला जिला का अध्यक्ष रह चुके हैं और महाराष्ट्र राज्य भूजल मच्छीमार संघ के अध्यक्ष हैं, मच्छीमारों का हित के काम किया है, मच्छीमार समाज को, मच्छीमार भोई समाज को विकास के ये काम किया है आज तक। बहुत अच्छा, बहुत। भोज पे बैठे हुए दूर दराज से आए हुए पूरे भारत के कोने कोने से सभी रिश्तेदारों का भोज चल रहा है,
और माने जाने हस्ती है। हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र अकोला जिले के रहने वाले या केवट परिवार की तरफ से वो चले गाते हैं पाउस प्ले पाउस है देखिए इन्होंने कितना एकता है कि जितनी तारीफ की जाए वो तारीफ कम है। ये हमारे बड़े भाभी है बेबी केवट इनका नाम है इनका नाम मतलब पता नहीं क्या है इनका नाम राधा नाम है। ये हमारी वाइफ है उनका ये हमारे चाची जी है और हम ओरिजिनल डॉन 11 मुल्कों की पुलिस कचहरी जल्दी बोला ये हमारे बड़े बड़े भाई के बड़े भाई है बड़े भाई के लड़के पुत्र है कत हो गया।